और अब बात चतरा की करेंगे। चतरा में चाइल्ड हेल्पलाइन ने एक बाल विवाह को रुकवा लिया। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल सिमरिया प्रखंड में ग्रामीणों की जागरूकता से बाल विवाह पर समय रहते ही रोक लगा दी गई। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन सब सेंटर की सदस्य अनीता मिश्रा ने डांडी गांव पहुंची और वहां पर जो शादी हो रही थी उसको रुकवा दिया। दरअसल ग्रामीणों ने हेल्पलाइन नंबर 1098 पर चाइल्ड लाइन को सूचना दी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन ने विवाह को रुकवा दिया और यहां 15 साल की नाबालिग बच्ची का विवाह कराया जा रहा था जिसको रुकवा लिया गया। मामला है कि 1098 चाइल्ड लाइन के द्वारा हम लोगों को बताया गया सिमरिया सब सेंटर को कि डाड़ी गांव में एक बाल विवाह करवाया जा रहा है, जिसमें आज वो यदला मंदिर में शादी होना तय हो गया था। जब हम लोगों को सब सेंटर में मालूम हुआ है कि डाड़ी में शादी हो रही है तो लड़की के घर पहुंचे तहकीकात के लिए। जब पता चला कि हाँ सही में शादी होने वाली है, हम लोग इनको समझाए कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, अगर आप शादी करते हैं तो सारे लोग जेल चले जाएंगे, तो ये लोग जो है सो कि मान गए हैं। हेलो 253 लेन। यस, कौन? चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट से कॉल है। आपके घर में कितने बच्चे हैं मैडम? हमारे घर में बच्चे? हाँ, कॉल आपके घर में आया तो पड़ोसी के बच्चों के बारे में तो नहीं पूछेंगे ना? हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। 1 से 5 साल के बच्चे? नहीं। 1 साल से कम उम्र के बच्चे? नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चे? कहाँ तो बच्चे नहीं है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे? अरे नहीं है। पड़ोसी के बच्चे जिन्हें आप संभालती हैं? अरे कह तो रहे हैं आपसे हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हम पड़ोसी के बच्चे क्यों संभाले? कितनी बार गए आपसे? ये तो आप जाने, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है बच्चों की जानकारी लेना। ये बताइए किस उम्र के बच्चे नहीं है आपके घर में? अजीब सवाल कर रही हैं आप। कहा तो आपसे हमारे घर में कोई किसी उम्र के बच्चे नहीं है। आपको चाहिए क्या बताइए? बच्चे की जानकारी चाहिए। हमारे पास रिपोर्ट है कि आपके घर में बच्चा है। ये किसने बताया आपको? मोहल्ले मोहल्ले हमारी टीम सर्वे करती है। आपके मोहल्ले के लोगों ने कहा है कि घर पे बच्चा है। कोई बच्चा नहीं है हमारे घर में, बस मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। आपको किसने बताया? तो ये आप बेबी, मेरा बच्चा और सोना बाबू किसको बुलाती हैं? That's none of your business. This is our business, madam. We are from health department. और हर बच्चे की जानकारी, हेल्थ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे काम में अड़चन ना डालें। कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं रखा आपने घर पे? मैम, मैं अपने हस्बैंड को इस नाम से बुलाती हूँ। वी डोंट हैव एनी चाइल्ड। मतलब मेरा बच्चा, बेबी, सोना बाबू, ये हस्बैंड को बोलती हैं आप? तो आप अपने हस्बैंड को इस रविवार अपने नजदीकी पोलियो बूथ या अस्पताल लेकर जाएं और उन्हें दिलाएं 2 बूंद जिंदगी की। व्हाट, दिमाग खराब है क्या आपका? मैडम मुंह संभाल के बात करिए। आपने खुद बोला हस्बैंड को बेबी बुलाती हैं। बेबी मतलब बच्चा, और हमारी ड्यूटी है हिंदुस्तान का हर बच्चा पोलियो ड्रॉप पिए। अगर आप बेबी को लेकर नहीं आती तो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी घर जाके पिलाएंगे। हमें भारत को पोलियो मुक्त करना है, समझिए आप। ओके स्टार्ट। दो दीजिए दीजिए। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, उसके शुभ अवसर पर हम लोग प्लेटफार्म पे बांटते हुए आ रहे हैं। आप लोग भी खाइए। ठीक है सर। एक को दीजिए, एक को। चलिए तुमसे सर, शिवम एक तू भी बांट दो। शिवम हमको कोई जरूरी नहीं है, तू भी बांट दो। अरे नहीं नहीं नहीं, बताइए। विश्व मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पे है। हम लोग कंबल उम्बल भी बांटा लीजा, कंबल उम्बल भी बांटा लीजा, सब मिली। चलिए आइए इधर दीजिए, बाबा को भी दीजिए, इनको भी लड्डू खिलाइए। उठाइए और दीजिए ना उनको भी, एको दीजिए इनको, उठाइए एको को दीजिए ना। हाँ एको को उठाइए। अभी आप नहीं देख रहे, फिर आ जाएगा ना, अभी हम लोग आओ देखेंगे, बच जाएगा तब उसको देखा जाएगा। लड्डू ले लो, लड्डू। हाँ लड्डू दो 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 लड्डू दीजिए दीजिए।
ये हमारे राजस्थान जी आज विश्व मानव अधिकार महासंघ